फ्रेंड्स, हाय वेलकम। देखेंगे करंट फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर्स के, आप लोगों के लिए राइट नाउ कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी देखोगे उस टाइम की करंट एनर्जीज होंगी ये। देखेंगे करंटली क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं आपके पार्टनर्स। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वैंड एंड बॉटम पे है एट ऑफ स्वॉर्ड्स। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन ने आके आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है, ठीक है। और आप लोग बहुत कंफ्यूज हो, एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। ट्रस्ट इशू दिख रहा है मुझे यहाँ पे। यस, किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप लोगों के बीच में ब्रेकअप हुआ है। फाइव ऑफ कप्स बॉटम पे है, सिक्स ऑफ कप्स। ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे जो आप लोगों की जो पार्टनर है, उन्होंने किसी थर्ड पर्सन के बहकावे में आके कहीं ना कहीं आपको चीट किया है, या आपको किसी धोखे में रखा है, या फिर किसी थर्ड पार्टी ने आके आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है, जिसकी वजह से आप लोगों के रिश्ता ख़त्म हुआ है। एक तरह से ब्रेकअप की एनर्जी है यहाँ पे। राइट नाउ आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में है, और वो गिल्ट की एनर्जी में है, पर वो ऐसे सिचुएशन में है कि वो हिम्मत भी नहीं कर पा रहे हैं आपके पास आने की, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गिल्टी हैं, बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे हैं, लॉस्ट फील कर रहे हैं। एंड अगर किसी की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा था तो ये उस पर्सन के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। उनके अंदर चाहत है कि आपके साथ दोबारा रिकंसिलेशन किया जाए। बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, ठीक है, लेकिन सिचुएशन अभी इस तरह से है कि वो अभी कुछ एक्शन नहीं ले रहे, वो बस कुछ सोच रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी है जिसको वो रिलीज़ करना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या एक्शन ले, आपकी तरफ कैसे आके आपसे सॉरी करें, या फिर सॉरी बोले, या फिर आपसे आपको मनाएं। ये उनको समझ नहीं आ रहा कि वो आपसे क्या, आपकी तरफ आके क्या एक्शन ले। अभी वो इस तरह से सोच रहे हैं। वो इस रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहते हैं। उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है एक तरह से। देख लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन क्या लेंगे आपकी तरफ। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ कॉइन्स, एट ऑफ वैंड्स, बॉटम पे है पेज ऑफ वैंड। या तो इंटरनेट के थ्रू, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर आपके वर्क प्लेस पे आके ये पर्सन आपसे बात कर सकते हैं, ठीक है, आपको मनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कुछ ना कुछ आपसे, मतलब जो भी चीज़ें थी उस चीज़ की क्लैरिटी देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अपने इमेच्योर बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगेंगे। कुछ न्यू बिगनिंग टाइप का वो आपको ऑफर करेंगे फ्यूचर में, ठीक है। ये पर्सन सडनली आएंगे, अनएक्सपेक्टेडली, एंड सडनली आपका इनके साथ फिर से
अगर सेपरेशन है अभी फ़िलहाल तो कांटेक्ट में आपका कांटेक्ट चालू हो जाएगा और आप लोग की डेली बातचीत वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। ये पूरा अपना 100% लगा देंगे आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए एंड आपसे माफ़ी भी मांगेंगे एंड जो भी पास में हुआ या इन्होंने जो भी किसी के भड़कावे में आके किया या फिर इसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हुई तो वो हर चीज़ के लिए माफ़ी मांगेंगे कि उन्होंने आप पे ट्रस्ट नहीं किया या फिर उन्होंने आप पे चीट किया या आपकी जो भी सिचुएशन है अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप देख लेना। तो ये है आज की रीडिंग। प्लीज़ क्लेम दिस रीडिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।